उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आप तो दोस्तों आप आगे निकल जाओ आगे, बहुत खासा हाथ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आज हम मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के करीब एक दुकान में, ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। ये जनरेटर और पानी की मोटरों की शॉप थी और यहाँ पर धमाके के बाद अच्छी खास तबाही हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो धमाका था सिलेंडर ब्लॉक, आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हो चुका है और ये दुकान आगे निकल जाओ आगे, बहुत खस्ता हालत में हो चुकी है। ऊपर भी कम को आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल खिदमत के रजाकार भी हैं मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार धमाका हुआ, वो भी सिलेंडर, और सिलेंडर तो देखिए मजबूरी बन चुका है इस्तेमाल करना, कराची और पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है सिलेंडर, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी होती है और गैस की, बिजली की, क्या सभी चीज़ों की यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, तो जिसके नतीजे में ये सूरत हाल होती है। तो आप देख सकते हैं कमाना कितना मुश्किल हो गया, गंवाना उतना ही आसान हो गया है। तो अब ये सूरत हाल है इस भाई साहब की दुकान की, ये सारा माल जल कर खाकसर हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, और जब आप किसी से बोलेंगे या कुछ करेंगे खुद ही कसूरवार ठहराए जाते हैं। काफ़ी तबाही हो चुकी है और ये रोड जो आपको दिख रही है ये है न्यू चाली वाली रोड, सिंध मदरसतुल इस्लाम वाला रोड है ये, और साथ में ये मार्केट है काफ़ी बड़ी जनरेटर की और पानी की मोटरें, जनरेटर और इलेक्ट्रिक का सामान यहाँ मिलता है। तो सिलेंडर के बाइस ये असर हो गया यहाँ का। Yeah, yeah, yeah.